पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की शानदार जीत के बाद टीएमसी के कार्यकर्ता बेलगाम होते नजर आ रहे हैं। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता से सटे नॉर्थ 24 परगना जिले के बैरकपुर में पुलिस थाने पर धावा बोल दिया। करीब 30 टीएमसी कार्यकर्ताओं के हुजूम ने थाने में तोड़फोड़ की। हमले में पुलिस के 4 जवान भी घायल हो गए। हमले से पहले कार्यकर्ताओं ने थाने में पथराव भी किया, पुलिस वालों की बाइक भी तोड़ दी। टीएमसी कार्यकर्ताओं के हमले में घायल होने वालों में थाना प्रभारी और एक एएसआई भी शामिल है। कल आसनसोल में भी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सीपीएम दफ्तर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की थी। थाने में हमले के आरोप में पुलिस ने टीएमसी के 11 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में टीएमसी के ब्लॉक अध्यक्ष सुखेन मजूमदार और स्थानीय पार्षद मनोज सरकार भी शामिल हैं। बैरकपुर विधानसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार शीलभद्र दत्त ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। पश्चिम बंगाल में ही बीरभूम जिले के नानून इलाके में अज्ञात बंदूकधारियों ने एक टीएमसी कार्यकर्ता को गोली मार दी थी। कार्यकर्ता की हालत गंभीर। विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत से सीबीआई जल्द ही पूछताछ कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने स्टिंग केस की जांच जारी रखने के लिए कानूनी सलाह ली। सीबीआई ने उत्तराखंड सरकार की अधिसूचना को खारिज करने का फैसला किया है। हरीश रावत सरकार ने सीबीआई के फैसले को उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बीजेपी ने कांग्रेस के फैसले पर निशाना साधा। कॉल डिटेल्स हैं, कुछ और चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो मंत्रिमंडल में ये बात जब उठी तो सबकी एक राय थी कि इसका समाधान न्यायिक जांच है। वास्तव में हरीश रावत जी ही सीडी में वार्तालाप करने वाले व्यक्ति थे। इस वजह से पूरे देश में नहीं दुनिया में ये मैसेज गया कि उत्तराखंड देवभूमि के मुख्यमंत्री 5-5 करोड़ रुपए विधायकों को देने की बात कर रहे हैं और जिन्हें मंत्री बनाऊंगा वो जितना कमाना चाहे कमाए, मैं आंखें मूंद लूंगा कह रहे हैं। रविवार को इंदिरा हृदयेश की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हरीश रावत के स्टिंग की जांच सीबीआई की जगह एसआईटी से कराने का फैसला किया गया था। कांग्रेस के बागी विधायकों ने 26 मार्च को कथित स्टिंग की सीडी जारी करते हुए हरीश रावत पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। स्टिंग में सरकार बचाने के लिए रावत और पत्रकार के बीच मंत्री पद और पैसों के लेन देन की बात है। स्टिंग के मुताबिक बागी विधायकों ने समर्थन के लिए 3 मंत्री पद और 25 करोड़ रुपए की डिमांड की। हरीश रावत बागी विधायकों को 3 मंत्री पद और पैसे देने के लिए राजी होने की बात कर रहे हैं। सीबीआई ने 5 मई को भी स्टिंग मामले में पूछताछ के लिए हरीश रावत को समन जारी किया था, लेकिन रावत ने और वक्त दिए जाने की मांग की थी। दिल्ली के मधुविहार इलाके में एक बेकाबू कार ने स्कूल की छात्रा को टक्कर मार दी। हद ये हो गई कि पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और जान दिया। हादसे की तस्वीर इलाके में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। सड़क पर एक बेकाबू सेंट्रो कार पहले एक शख्स के करीब से निकलती है और फिर एक 16 साल की छात्रा को टक्कर मारती है। टक्कर इतनी तेज थी कि लड़की करीब 2 फीट हवा में उछलने के बाद दूर जा गिरती है। हादसे के बाद लोग जमा हो जाते हैं, नशे में धुत कार के ड्राइवर की पिटाई भी करते हैं, लेकिन किसी का ध्यान घायल बच्ची पर नहीं गया। मौके से कार गुजरती रही, बाइक निकलती रही, लेकिन किसी ने बच्ची की सुध नहीं ली। करीब आधे घंटे बाद बच्ची को अस्पताल पहुंचाया गया। गाड़ी आई, एकदम से ठोक दिया और फिर उसके बाद वो हम गिर गए थे, एक आ गए थे उधर से, हाथ छिल गया था। एक गाड़ी आई और उसके पैर में फ्रैक्चर कर दिया और जो हमारे ट्यूशन की 2 मैम हैं वो उसकी हेल्प करने गई पर कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा था, सब बस तमाशा देख रहे थे उसका। पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने कार के ड्राइवर पर कोई कार्रवाई नहीं की और बाद में उसे छोड़ दिया। पुलिस ने दलील दी कि उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली, इसलिए एक्शन नहीं लिया गया। पुलिस ने यह भी कहा कि लड़की की हालत ठीक है, उसे ज्यादा चोट नहीं आई, इसलिए कार्रवाई नहीं की गई। कानून के मुताबिक ड्राइविंग के वक्त अगर किसी शख्स के खून में तय मात्रा से ज्यादा अल्कोहल मिले तो उसे 6 महीने की जेल या फिर 2,000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती है। हैदराबाद से सटे सिकंदराबाद में एक चैन स्नेचर ने बुजुर्ग दंपति को अपना शिकार बनाया। वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। बुजुर्ग दंपति सड़क से गुजर रहे थे, तभी एक बदमाश ने उन्हें अपना निशाना बनाया।
धीरे धीरे चेन स्नैचर बुजुर्ग दंपत्ति के करीब आ गया और फिर मौका देखते ही महिला के गले से चेन छीनकर भागने लगा। इस दौरान बुजुर्ग महिला के दिव्यांग पति ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो गिर पड़े। इसके बाद चेन स्नैचर अपनी बाइक से मौके से फरार हो गया। चेन स्नैचिंग की वारदात बुधवार को हैदराबाद के चिकला गुड्डा इलाके में हुई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। पुलिस का मानना है कि इस वारदात में दो लोग शामिल हो सकते हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस को एक और झटका लगा है। एसोसिएट जर्नल्स को मुंबई के बांद्रा में कौड़ियों के दाम में दी गई जमीन पर चल रहा निर्माण कार्य रोक दिया गया है। कुछ महीने पहले इस जमीन पर कंस्ट्रक्शन वर्क जोरों पर था, लेकिन अब सारा काम ठप है। सूत्रों के मुताबिक प्रशासन ने डेवलपमेंट राइट्स ट्रांसफर करने की इजाजत न मिलने की वजह से काम रोक दिया है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया है। वो जमीन का उन्होंने उपयोग नहीं किया, करीबन 20 साल तक उसका कोई यूज नहीं किया, और यूज न करने के कारण सरकार ने उनको नोटिस दिया था कि आप इसका शर्त भंग किया, जिस काम के लिए दिया आपने नहीं किया, इसलिए जमीन क्यों ना वापस लिया जाए। काम चालू है यहाँ पे? नहीं, बंद है। कभी से? बंद हुआ कम से कम 4-5 महीना हो गए। हाँ, 4-5 महीना। 4-5 महीना हो गए। मुंबई के बांद्रा में पिछड़े वर्ग के छात्रों का हॉस्टल बनाए जाने के लिए जमीन दी गई थी। 1983 में पूर्व सीएम एआर अंतुले ने प्लॉट बिना करारनामे के एसोसिएट जर्नल्स को दे दिया था। जमीन एक लाइब्रेरी, रिसर्च सेंटर और अखबार के प्रकाशन के लिए अलॉट कर दी गई। कांग्रेस के पूर्व सीएम अशोक चौहान ने प्लॉट का करीब 2,79,00,000 रुपए का टैक्स भी माफ कर दिया। नहीं नहीं, प्लॉट के एक हिस्से को अलग कर कांग्रेसी नेताओं के लिए रिहायशी बिल्डिंग भी बना दी गई। एसोसिएट जर्नल्स को दिए गए जमीन के इस्तेमाल में गड़बड़ियों की शिकायत के बाद महाराष्ट्र सरकार ने जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी। 20 पन्ने की रिपोर्ट में कई अनियमितताओं को उजागर किया गया था। आंध्र प्रदेश में तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान रुआनु की वजह से ओडिशा में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में तूफान की वजह से चली तेज हवाओं के चलते कई पेड़ उखड़ गए। 2 दिन से राज्य में मूसलाधार बारिश हो रही है। आज रुआनु तूफान ने ओडिशा में दस्तक दी। पुरी में भारी बारिश की वजह से सड़कें नदी में तब्दील हो गई। गाड़ियां पानी में डूबी नजर आ रही हैं। तूफान की वजह से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है।